हेलो दोस्तों, आपको क्या लगता है एक बीज को उगने में कितना समय लगता है या उसको अंकुरित होने में कितना समय लगता है? एक दिन, 10 दिन, 1 महीना या 2 महीने? दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बीज के बारे में जिसको उगने में 142 साल लग गए। जी हाँ दोस्तों, 142 साल। सन 1879 में बॉटनिकल साइंटिस्ट विलियम जेम्स बिल ने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास के इलाकों से कुछ बीजों को कलेक्ट किया। बीजों को कलेक्ट करने के बाद उसने उनको बोतल बंद कर दिया। बोतल बंद करने के बाद में एक सीक्रेट जगह पे छुपा दिया, ये देखने के लिए कि कितने समय बाद तक इन बीजों के अंदर अंकुरण क्षमता रहती है, कि इनको अनुकूल वातावरण मिल जाए तो ये वापस अंकुरित हो जाए। अब 142 साल बाद मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड लोरी ने उस बोतल के उन बीजों को कलेक्ट किया और उनको अनुकूल वातावरण दिया। अनुकूल वातावरण पर उन्होंने पाया कि उसके अंदर कुछ बीज अंकुरित हो गए हैं, जो वर्बेस कसब्लेटेरिया नामक एक पौधे के हैं, जिसको वहाँ की आम भाषा में मोट मुलेन कहा जाता है। आई होप दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।